दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में। रफ्तार कैसे बढ़ेगी आपकी और हमारी, रफ्तार बढ़ानी है। अगर हमें जल्दी से कुछ अचीवमेंट करना है तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अब स्पीड को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि ढेर सारा काम एक साथ करते जाओ, ये भी कर लू, वो भी कर लू, वो भी कर लू, वो भी कर लू, ऐसा नहीं करना। पिक एनी 2-3 वर्क एंड डू अकॉर्डिंगली। कोई भी 2-3 काम पकड़ो और उसको करना शुरू करो। धीरे 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 उसमें आगे बढ़ते जाओ, परफेक्ट होते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, परफेक्ट होते जाओ, फिर आपको रफ्तार मिलेगी। अक्सर हमने देखा है कि लोग हर दिन अलग अलग नॉलेज लेते हैं और उससे उनका बेस मजबूत नहीं होता, और जब बेस मजबूत नहीं होगा तो आपको परफेक्शन नहीं आएगा और फिर करियर में रफ्तार नहीं मिलता है। तो यदि आप जीवन में रफ्तार चाहते हो तो आपको अपने किसी एक स्किल पे शिद्दत डालनी पड़ेगी और उसको 100% अचीव करना पड़ेगा। उसको अपने अंदर में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि यस नाउ आई कैन डू इजीली। किसी एक स्पेशलाइज स्किल पे फोकस करो और उसी में मास्टरी करो, इसी से आपको ग्रोथ मिलेगा। स्पेशलाइज स्किल बहुत जरूरी है आज के जमाने में। अगर आप मल्टीपल काम करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ जो चाहिए वो नहीं मिलता है। किसी एक स्किल में स्पेशलाइज नॉलेज लो, उसको शिद्दत से करो और 1-5 साल का हार्ड एफर्ट लो, तब जाके सफलता मिलती है। सफलता 1-2 दिन की कहानी नहीं है, सफलता के लिए एक लंबा जर्नी तय करना होता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम आज काम की शुरुआत करते हैं, 2-4 दिन में रिजल्ट नहीं आता है तो फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उस काम को करना छोड़ देते हैं जो हमें लाखों करोड़ों दिला सकता था, बट उस चीज का रियलाइजेशन नहीं होता है, हमें लगता ही नहीं है कि ये काम हमारे लिए है तो हम उसको छोड़ देते हैं, जबकि उसमें जरूरत क्या है, स्पेशलाइज स्किल डेवलप करने की और उसके अकॉर्डिंग काम करने की। आपको सफलता मिलेगी और ये कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने से होगा। ऐसा नहीं है कि 1-2-4-10 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा तो ही आप ग्रो कर सकते हो। नहीं, आपको लक्ष्य निर्धारित करना है और अचीवमेंट भी चाहिए तो लक्ष्य शुरुआत में छोटे छोटे डिसाइड करो और उसको अचीव करते जाओ, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जब हम छोटे लक्ष्य बनाएंगे और उसको अचीव करेंगे तो हमारे को एक मोटिवेशन आता है कि हाँ यार ये अचीव हुआ, अप्रिसिएशन मिलता है, रिजल्ट आता है, तो उससे नया काम करने का जुनून जज्बा पैदा होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी जब आप एक फील्ड में पावरफुल बन जाओ तब आप किसी दूसरे चीज को स्टार्ट करो करना। आप तब तक दूसरे तीसरे स्किल पे काम मत करो जब तक आप एक चीज में पावरफुल नहीं हो जाते। आज हम लोग गुलाम बनते जा रहे हैं। अरे घबराओ नहीं, गुलाम का मतलब ये नहीं है कि हम जैसा अंग्रेजों के जमाने में गुलाम थे, वैसा नहीं। आज हम गुलाम होते जा रहे हैं टीवी के, मोबाइल के, कार्टून के, सीरियल्स के, फालतू गपशप के, फालतू सोशल मीडिया, सोशल साइट्स के, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन सब के गुलाम होते जा रहे हैं। तो यदि हमें इनसे बाहर आना है तो हमें अपने स्पेशलाइज स्किल पे फोकस करना पड़ेगा। आज लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं फेसबुक से, क्या आप कमा रहे? जब आपका मैक्सिमम टाइम फेसबुक पे जाता है तो आप उससे सीखो कि मैं इस फेसबुक से कैसे अर्न कर सकता हूं, मैं इस इंस्टाग्राम से कैसे अर्न कर सकता हूं, मैं इस यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकता हूं। आज लोग लाखों करोड़ों कमा रहे, तो जो टाइम, जो वैल्यूएबल टाइम आप उस पर दे रहे हो उससे आपको अर्निंग आना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी क्या है, स्पेशलाइज्ड स्किल। अगर वो हासिल कर लिया तो ही आपको ग्रोथ मिलना है, नहीं तो हम ऐसे ही अपना घंटों बर्बाद कर देते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, जिससे कि हमको कोई आउटपुट नहीं मिलता है। फेसबुक कंपनी तो ग्रो हो रही है, इंस्टाग्राम ऑलरेडी ग्रो हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं हम डीग्रो हो रहे। हम अपना वैल्यूएबल टाइम उस पर दे रहे हैं बट हमको वहां पर से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो हमें जरूरत है वो स्किल सीखना। अगर आप 4-5 घंटे फेसबुक पे बिता रहे हो तो डेफिनेटली मैं तो आपको कहना चाहूंगा कि आपको फेसबुक से अर्निंग होना चाहिए, अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो। अगर आपको अभी तक अर्निंग नहीं हो रहा है तो नॉलेज दो कि कैसे मुझे अर्निंग हो सकती है, कैसे मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकता हूं, कैसे मैं फेसबुक से पैसे कमा सकता हूं। आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि आज डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है, हर चीज
डिजिटली अवेलेबल है। तो उस जमाने में आप हो और आपको अर्निंग करना शुरू करना चाहिए और नॉलेज लेना है। तो आज बहुत लोग पड़े हैं जो आपको सिखाने के लिए तैयार है, बस आप कमिटमेंट करो कि मुझे सीखना है और तब आपका ग्रोथ होगा। दोस्तों आपके ग्रोथ में मैं सहयोग करता रहूंगा, बस आपको कमिट करना है कि आपको ग्रोथ के लेवल पे जाना है, गुलाम नहीं बनना है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमें पता ही नहीं है कि हम किस चीज के गुलाम बनते जा रहे हैं, कहां पे हमारा वैल्यूएबल टाइम जा रहा है। तो उस चीज को फाइंड आउट करना है और उसी चीज को, जहां पर आपका मैक्सिमम टाइम जाता है उसी चीज से आपका अर्निंग आने लगे तो कितना अच्छा रहेगा। इसको सोचो समझो और आप अपने लिए वो स्किल डेवलप करो, स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलप करो ताकि आप उससे अर्न कर सको। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये थॉट अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।